बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर असर दिखाने वाली खबर है। अब आपको दिखाएंगे एबीपी न्यूज की एक ऐसी पहल जिसके बाद खुद सरकार के हाथ जरूरतमंद तक पहुंचे। ये खबर है काम की और कहानी है कमाल की। वो कहते हैं ना, हम रिपोर्टर्स की जुबान पे, खबर तो वो हो विकास जो असर दिखाए, और एबीपी न्यूज तो करता ही ये है। खबर हमने दिखाई, असर खबर दिखा देती है। इस कहानी के तीन किरदार है, एक सेना के रिटायर्ड अधिकारी, दूसरे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और तीसरे डाक विभाग के पोस्टमैन अनूप देवली। डोंट बी सरप्राइज, ये कोई पहेली नहीं है आपके लिए। खबर क्या है ये भी जान लीजिए, क्या है ये कहानी, कैसे एबीपी न्यूज की पहल इन तीन किरदारों से जुड़ी हुई है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए और अपनों के साथ इसे साझा जरूर कीजिएगा। ये तस्वीरें सबूत है एबीपी न्यूज की जिंदगी बचाने वाली उस पहल की, जिसके बाद सरकार फौरन एक्शन में आई और सेना के रिटायर्ड सूबेदार मेजर एमपी जोशी को लॉकडाउन के बावजूद दवा मिली, वो भी दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के गोचर में जहां वो रहते हैं। एबीपी न्यूज की कोशिश रंग लाई। पूर्व सैनिक को किडनी, हार्ट और डायबिटीज की दिक्कत है। दिल्ली में रहने वाले उनके बेटे हमेशा कुरियर से दवा भेजते थे। लॉकडाउन की वजह से देश में कुरियर सेवा बंद है, इसलिए इस बार दवाइयां नहीं पहुंचा पा रहे थे। जानकारी मिलते ही एबीपी न्यूज ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद तक एमपी जोशी की बात पहुंचाई, जिसके बाद बिना देरी के रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के गोल डाक खाना के अधिकारी से बात करके स्पीड पोस्ट के जरिए दवाई भेजने के निर्देश दिए और पूरे मामले पर नजर बनाए रखी। दवाइयां पहुंचाने की खबर मिलते ही खुशी जताते हुए ट्वीट भी किया। भारतीय पोस्ट ऑफिस के हर अधिकारी की समर्पण की वजह से ये संभव हो सका है। इंडिया पोस्ट देश के कोने कोने तक दवा पहुंचा रहा है और देश बदले में दुआ दे रहा है। #IndiaFightsCorona। न सिर्फ एबीपी न्यूज की इस कोशिश से रिटायर्ड सूबेदार मेजर एमपी जोशी की मुश्किल हल हुई, बल्कि उन जैसे कई और लोगों को भी राहत मिली। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट में बताया, मैंने डाक विभाग के सचिव को विशेष निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन के दौरान स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे जा रहे दवाओं के पार्सल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। डाक विभाग का हर अधिकारी या कर्मचारी ये सुनिश्चित करे कि दवाओं को भेजने और प्राप्त करने में किसी को कोई दिक्कत ना हो।